अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस वीडियो में, लास्ट लेक्चर जो मैटलैब का हमने किया था, उसमें हमने मैटलैब 2013 का जो है इंटरफेस देखा था। आज की वीडियो में हम जो है करंट फोल्डर, उसका जो पाथ सेट करना है, वो किस तरह करते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ। अगर आप में से किसी दोस्त ने अभी तक मैटलैब इंस्टॉल नहीं किया या इंस्टॉल करना नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे वीडियो आप लोगों को अटैच कर दूंगा। इस जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा। आई यहाँ पे शो जो हो रहा था, वहाँ पे आप वहाँ क्लिक करके प्रीवियस वीडियो मेरी दोनों देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरफेस को, कमांड विंडो, वर्क स्पेस विंडो, हिस्ट्री विंडो और जो है ये करंट फोल्डर विंडो को। अभी जो इसका हमारे पास जो पाथ आ रहा है करंट फोल्डर का, वो आ रहा है सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स हैं, उसके अंदर मैटलैब का फोल्डर है, उसके अंदर ये फिर इस सॉफ्टवेयर का जो नाम है आर मेट, जो वर्जन है इसका R2013A, उसके अंदर एक बिन का फोल्डर है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर हम यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, कोई कस्टम अपना पाथ देना चाहते हैं करंट फोल्डर का, वो किस तरह दे सकते हैं, उसका देने का तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पे जाएं, तो यहाँ पे हमने कहा लेआउट के पैनल को देखा था, तो इसके साथ ही यहाँ पे देखें सेट पाथ का ऑप्शन है। आपने कहाँ पे जाना है, यहाँ लेआउट पे जाके साथ ही लेआउट के साथ ही सेट पैनल का जो है सेट पाथ का टैब है, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अगर यहाँ से आप लोग चेंज करते रहें, यहाँ से अगर कोई जाके चेंज करता रहे, तो यहाँ से चेंज नहीं होता, या यहाँ से आप लोग चेंज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया, हमने यहाँ से जाके इसका पार्ट सेट करना होता है। अदरवाइज जब हम क्वेश्चन रन करेंगे तो क्वेश्चन हमारा जो होता है उसमें एरर आ जाते हैं, रन टाइम एरर। जैसे अगर आपने C++ प्रोग्रामिंग देखी हो, लाइक उसमें भी जब हम फाइल का पाथ या उसके अंदर जो एरर होते थे उनको भी, यही इसका भी सेम वही इशू है कि अगर इसका पाथ ठीक नहीं होगा हमारे क्वेश्चन का, या हमने पहले पाथ सेट नहीं किया हुआ होगा, तो हमारा क्वेश्चन रन नहीं होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम के दौरान, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मैं वहाँ पर देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वो ना जिनके क्वेश्चन को रन कर रहे होते हैं उन्हें बार बार, हालांकि ये एरर आ भी रहा होता है कि इसको नहीं करना, तो वो बार बार उसी चीज़ को कर रहे होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जहाँ पे क्वेश्चन रखने हैं अपने या क्वेश्चन सेव करने हैं, उसका एक पाथ सेट कर लेना है आप लोगों ने, जिस फोल्डर का आप अपने नाम का फोल्डर बना लें। लाइक अगर मैं सेट पाथ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये यहाँ पर ले जाता है कि सी यूज़र फाइल जो मेरा कंप्यूटर का नाम है वहाँ पर, और उसके अंदर अब मैं कहता हूँ कि मैं ना एक न्यू फोल्डर बनाना चाहता हूँ खुद, वो भी कहाँ जाके, ऐड फोल्डर पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मुझे कह रहा है कि आपने फोल्डर कहाँ पे बनाना है। अब ये जो पाथ है ऊपर शो हो रहा था बिन वाला, आप इसको जो है एडिट कर सकते हैं। आप लोगों ने इस फाइल पे क्लिक करना है, अगर आप चाहें तो वन बाय वन ऊपर इनके एक स्टेप बाय स्टेप पीछे जा सकते हैं, एक एक फोल्डर यहाँ से, जैसे ये प्रोग्राम फाइल्स में आ गए हम, उसके बाद प्रोग्राम फाइल के बाद लोकल डायरेक्टरी सी आई गई है, सी के अंदर आप लोग अगर फोल्डर बनाना चाहें तो यहाँ फोल्डर बना के रख सकते हैं, या इसके अंदर किसी भी ड्राइव के अंदर फोल्डर बना के रख सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ भी नहीं रखना चाहते तो आप दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, और जो आपकी ड्राइव है, जिस ड्राइव में आप रखना चाहते हैं, जो पाथ देना चाहते हैं, तो आप उसका पाथ दे सकते हैं। लाइक अभी मेरी प्रोजेक्ट्स वाली ये फाइल पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर जाके एक फोल्डर बनाता हूँ न्यू और मैटलैब, और इसको सिलेक्ट फोल्डर कर देता हूं। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें यहां पे ये पाथ ऐड हो गया है, इसको मैं सेव करके क्लोज कर दूंगा। अब अगर देखें तो यहां पे जाके मैं अगर पाथ अपना वो वाला लगाना चाहूं तो मैं इस पे जाता हूं, ठीक है, और फोल्डर डी के अंदर हमने बनाया था मैटलैब का,
तो देखें यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया अब हमारा फोल्डर। अगर मैं पाथ को सेट किए बगैर करता तो मुझे एरर देता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कमांड विंडो, वर्कस्पेस और हिस्ट्री विंडो को थोड़ा सा मज़ीद देखेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी जो है कमांड को भी चेक करेंगे कि किस तरह हम कमांड इंटर करते हैं इनके अंदर और कमांड वर्क्स किस तरह करती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।